झांसी के टहरौली में महिलाओं पर अत्याचार नहीं सुन रहे थानेदार। खबरें चलाई, जनता को सच्चाई बताई तो धर लिए जाते हैं पत्रकार। आए दिन महिलाओं से हो रही छेड़छाड़, तमंचे के बल पर हो गया बलात्कार। क्या जनता के सामने सच लाने पर थानों में पीटे जाएंगे पत्रकार? ऐसे थानेदारों सिपाहियों पर कब एक्शन लेगी योगी महाराज की सरकार? झांसी के टहरौली क्षेत्र में आए दिन महिलाओं से संबंधित अपराधों की खबरें बढ़ती नजर आ रही हैं। कभी खेत से वापस आ रही महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, तो कभी बाइक से घर वापस आ रही महिला की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंककर लूट हो जाती है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि घर में सो रही किशोरी का तमंचे के बल पर बलात्कार तक कर लिया जाता है। यह सभी घटनाएं इसी हफ्ते की हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टहरौली पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर किस कदर लगाम लगा रही है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर तो लगाम नहीं लगा पा रही, लेकिन पत्रकारों पर जरूर लगाम लगाने का काम करने लगी है, क्योंकि वह लगातार ऐसी खबरों को जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसी से तिलमिलाए थानेदार अब पत्रकारों को ही थाने में बैठाकर उनकी मारपिटाई करवानी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले कि हम आपको टहरौली थानेदार की पत्रकारों पर जुल्मों सितम की कहानी सुनाएं, पहले आप टहरौली में हो रही एक के बाद एक लगातार महिला अपराधों की वह घटनाएं को जरूर सुन लीजिए, जिससे आप जान सकें कि थानेदार पत्रकारों से खपा क्यों हैं, और इसके बाद आपको तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसने हमारी बिटिया के साथ गलत काम किया है। पहली घटना इसी माह के 12 सितंबर की है। 12 सितंबर को टहरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक किशोरी अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान एक युवक उनके घर में घुस आया और तमंचे की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। युवती की चूख पुखार सुनकर उसका भाई जागा तो उसे भी तमंचे की नोक पर डरा धमका कर धमकी दी गई। नाबालिग के साथ हुई इस घटना को लेकर परिजन टहरौली थाने पहुँचे। परिजनों का आरोप है कि टहरौली पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। दूसरी घटना महिला अपराध से ही जुड़ी है। गौरसराय से घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने पहले उसे रोका, उसके साथ अश्लील हरकतें की, बाद में आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तीसरा मामला भी टहरौली थाने क्षेत्र के ही एक गांव का है। 16 सितंबर को करीब 3 बजे अपने घर से खेत आ रही एक महिला के साथ गाँव के ही व्यक्ति ने अश्लील हरकतें कर दी। घटना के 3 दिन बाद 19 तारीख को टहरौली थाने में इस मामले को दर्ज किया गया। आरोपी जयपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इन तमाम घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि टहरौली थाना क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध पर किस तरह थानेदार साहब लगाम लगा रहे हैं। महिला अपराधों पर लगाम नहीं लगा सके थानेदार अब पत्रकारों की खबर पर भी लगाम लगाने पर आमादा हो गए हैं। अच्छा बताइए, क्या घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? जो मामला है कि हम गए थे अपने मायके, समय बीत गया और लड़का हाथों पर है, बीत गया लड़का हाथों से रात में आओ जो छत पे उन को कौन आया रात में? फिर थी रात में आया और वह समय बीत गया को मोमू दो वो गलत काम किया और छत वो तमन से कट्टा धारे का वो कह रहे कि मार आ रहे हैं। अगर काउ को बताई थी कि मैं विजय से विजय को भी धमकी दी कि हम तुम्हें भी मार आ रहे हैं, अगर काउ से कही थी जब घटना भाई फिर दी को। इसकी सूचना किसी को दी अभी आपने? हाँ। क्या कार्रवाई हुई, किसको दी? हाँ नाम टहरौली थाने में करी थी, सुनने का सूचना जी नहीं करी हम ना पुलिस आई। पुलिस प्रशासन ने आपसे कुछ कहा था? हाँ जा कही थी, भेजा कह रहे थे कि उनसे कह रहे थे कि तुम आना हम निपटा देने निपटा दें तुम्हारी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पुलिस ने आई नहीं कर रही आपके साथ? हमारे साथ नहीं करने नहीं आए। किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर हुए बलात्कार की घटना को प्रमुखता से दिखाने वाले अखबार और मीडिया संस्थानों से जुड़े कुछ पत्रकारों को पुलिस ने पहले थाने बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की गई। टहरौली से लेकर झांसी मुख्यालय पर कवरेज करने वाले पत्रकारों की पुलिस ने औकात बताई और फिर शाम होते होते कुछ पत्रकारों को थाने में ही धर लिया गया। आरोप है कि करीब रात में 2 बजे तक मीडिया संस्थानों से जुड़े 3 कर्मियों को थाने में आरोपियों की तरह बैठाए रखा गया। अब देखना यह है कि ऐसे थानेदारों और सिपाहियों पर योगी महाराज की सरकार और पुलिस के बड़े बड़े अफसर क्या कार्यवाही अमल में लाते हैं, या फिर जनता के सामने सच लाने वाले पत्रकारों को ऐसे ही पुलिस का शिकार होना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और पुलिस के उन अधिकारियों तक इस रिपोर्ट को जरूर भेजें जो इस मामले की ईमानदारी से जाँच कराएंगे
और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई अमल में लाएंगे।